और एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे देता हूँ, इन केस आप कभी भी हिमाचल प्रदेश आते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर मेरा नाम पीयू पीडोन वंश डॉन विकास डॉन सब डॉन ही हो। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अवर लास्ट डे इन चंबा एंड दिस इज़ लास्ट गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंबा। कल आपने देखा होगा हम लोग गए थे खजियार, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग और बहुत सारा चिल किया था। और आज हम जाने वाले हैं डलहौजी, एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन। और कल रात को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। क्या प्रॉब्लम हो गई थी वो चीज़ें तो मैं आपको अभी राइड करते हुए बताऊंगा, बट फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं डलहौजी के लिए। डलहौजी जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे पठानकोट में भी। वहाँ पर थोड़ी देर रुकना पड़ सकता है क्योंकि कैब वाई की चैन की इस पॉकेट ख़राब हो चुका है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कर रहा है, साउंड बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो देखेंगे अगर वहाँ पे चेंज हो गया तो वो करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाइक पे, राइड करते हो। और सबसे पहले एक चाय पियेंगे। अभी हमें चेन लूप चेन क्लीन भी करना है क्योंकि आज करनी है लॉन्ग राइड। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी निकलते हैं। पैकिंग हमारी रात को ही हो गई थी, बट रात को जो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो गई थी, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, दो ढाई घंटे मेरा। ऑल सेट, रेडी टू लीव, मिलते हैं आपसे रोड पे। और हाँ, पूरा ब्लॉग देखना क्योंकि आज हम आपको डलहौजी घुमाने वाले हैं। तो सेटअप रेडी हो चुका है, बाइक पे लोड कर दिया है सामान, दूसरी बाइक भी अपनी रेडी है जहाँ से हम लोग ने चाय पी दूध पिया, और अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, रेडी टू गो। चले वसीम भाई, चलिए मिलते हैं, जरूर जल्दी मिलेंगे। चलो जय गणेश जी। निकल चुके हैं हम लोग होटल से, अब हमको जाना है 53 किलोमीटर डलहौजी के लिए, और पठानकोट वाले रूट पे टोटल 46 किलोमीटर जाना है। और फिर उसके बाद बनीखेत से एक टर्न है और उस पर 6 किलोमीटर जाएंगे तो डलहौजी पहुंच जाएंगे। डोमिनार 250 पे फर्स्ट लॉन्ग राइड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। डलहौजी काफ़ी खूबसूरत जगह है। अच्छा, मैं आपको वो भी बताने वाला था कि कल रात को क्या इंसिडेंट हुआ, कल रात को क्या प्रॉब्लम हुई थी, बताता हूँ अभी आगे चल के बताता हूँ। ये पठानकोट 116 और बनीखेत 46। हाँ, नहीं आ रही है या तो गंदगी की वजह से तो नहीं करते, पहले थोड़ी देर चला लो फिर देखते हैं। हाँ, अभी ना आ रही हो। हाँ, डलहौजी का नाम बहुत सुना था, कहा जाता है अंग्रेजों के टाइम पे डलहौजी जो है उनके लिए प्रॉपर वकेशन का प्लेस था, ये सब चीज़ें सुन रखी हैं। बाकी तो हम भी जाके देखेंगे क्या होता है वहाँ पे। फिलहाल ये रूट वही है जिससे हम लोग रात को आए थे, फर्स्ट डे अपनी, फर्स्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा। अब यहाँ से लेफ्ट और राइट, वी हैव टू कंफर्म। भैया बनीखेत के लिए किधर जाना है? और एक ये ब्रिज भी है जिससे आप सचपास के लिए जाते हैं, इससे आगे आप जाएंगे बैरागढ़ पड़ेगा 70-90 किलोमीटर पे, बैरागढ़ से 40 किलोमीटर पड़ेगा सचपास। यहाँ आने के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी वो लगी यहाँ के नज़ारे। भैया डलहौजी जाना था बनीखेत होते हुए, ये वाला, ये नीचे वाला? हाँ, चलाओ चलाओ। नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ हाँ, अभी चेन इस पॉकेट में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। हमको स्टॉप के लिए बोला गया है, में भी कुछ चेकिंग होगी, कुछ तो होगा। आ रहे, क्या नाम आपका? विनय कुमार। थैंक यू। रूटीन चेकिंग चल रही है, डीएल चेक किया मेरा भी, कैब भाई का भी, और हमारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं। क्योंकि अगर यार इतने लॉन्ग रूट पे आ रहे हैं, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है उसका तो मतलब ही नहीं बनता है ना, और वो इथिकली भी सही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कल रात वाली कहानी। एक्चुअली हुआ क्या था, हम लोग डाटा कॉपी कर रहे थे, तो डाटा कॉपी करते हुए जब मैं उठा तो मेरे पैर में क्रैम्प आ गया था, बट इतना मतलब फील नहीं हुआ कि दर्द होगा या कुछ होगा। तो 1 से 1.5 बजे के अप्रॉक्स हम लोग सो गए,
फिर 2 बजे मेरी आँख खुली और मुझे बहुत ज़्यादा भयंकर वाला पेन हो रहा था। फिर मैंने सोचा देखता हूँ किस वजह से हो रहा है, पेन क्या रीज़न है। थोड़ी देर वेट करने के बाद जब पेन शांत नहीं हुआ तो मेरे पास वॉर्मिंग स्प्रे था, मैंने वो लगाया। उसके बाद फिर आधे घंटे लेटे रहा, फिर भी कंटिन्यू पेन हो ही रहा था। फिर रात को मैंने मेडिसिन ली और मेडिसिन लेने के बाद आधे घंटे तक मुझे नींद ही नहीं आई। फिर जाके 4 बजे के अप्रॉक्स नींद आई और फिर हमारी नींद खुली 8 बजे। तो जो क्रैम्प आया था उसकी वजह से इतना भयंकर पेन हुआ कि सुबह वॉक भी नहीं कर पा रहा था। अभी भी कंटिन्यू पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो कल की रात बहुत ही स्केरी थी, खासकर 2-3 घंटे जो मैं पेन में रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। देवदार के ट्री तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, इनकी वजह से पहाड़ों का लुक बहुत अच्छा आ रहा है। हम लोग डलहौजी घूमने जरूर जा रहे हैं बट राइडिंग गियर्स पूरे पहन लिए थे क्योंकि कल जो घूमने गए थे उसमें राइडिंग गियर्स नहीं पहन के गए थे, बट आज पहन लिए क्योंकि आज हमको काफ़ी लंबा रूट कवर करना है। यहाँ से डलहौजी फिर रिटर्न आना है बनीखेत, वहाँ से पठानकोट जाना है और पठानकोट जाने के बाद अगर चैन इस पॉकेट में कोई प्रॉब्लम ना हुई तो आगे कंटिन्यू कर देंगे राइड। पहले मैं सोच रहा था रुक जाऊं बट यहां से देखूंगा, यहां पे रुकूंगा, यहां के व्यू मुझे लग रहा है सही होगा। यहाँ से बनीखेत है 13 किलोमीटर, यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुका था। ये जो डैम था मैंने आपको दिखाया था, ये सामने डैम बहुत ही खूबसूरत, और ये यहाँ पे बंद किया हुआ है। यहाँ पर इनका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सिस्टम है, पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ पर ये डैम है, तो यहाँ से ये आगे जाती है रिवर। आपको दिखा दिया यहाँ का व्यू और ये पूरे नज़ारे देख लो यार, देखो मज़ेदार। और यहाँ बीच बीच में आपको होटल्स भी मिल जाएंगे, टी पॉइंट भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। ग्लव्स पहनते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बनीखेत यहाँ से अप्रॉक्स 13 बचा हुआ है। जो मैंने आपको डैम दिखाया था वो चमेरा पावर स्टेशन का डैम था, हाइड्रो पावर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और यहाँ से शिमला है 329, चंडीगढ़ 318। और एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे देता हूँ, इन केस आप कभी भी हिमाचल प्रदेश आते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर बाइक पे डबल हेलमेट है। अगर आपने अपने साथ क्लीन को बिठा रखा है तो आपको डबल हेलमेट लगाना कंपलसरी है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं बनीखेत में और बनीखेत में आप देखेंगे पीछे ये इधर ये रास्ता जा रहा है पठानकोट के लिए और ये जा रहा है डलहौजी के लिए। और यहाँ पे हम लोग ने पी है चाय, तो पहले चाय ख़त्म करते हैं। 6 किलोमीटर डलहौजी बचा है, डलहौजी देखते हैं, घूमते हैं, फिर उसके बाद वापस यहीं पे आना है और यहाँ से जाएंगे हम लोग पठानकोट के लिए। टाइम हो रहा है 12:27, अप्रॉक्स हाफ आवर का ब्रेक हो गया है और 2072 अपनी बाइक चल चुकी है। डलहौजी भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, जैसे खजियार था वैसे ही डलहौजी भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में, काफ़ी बड़ा है चंबा डिस्ट्रिक्ट। सो फाइनली वी आर एट डलहौजी 0 पॉइंट। डलहौजी हम लोग आ चुके हैं और पीछे का व्यू देख लो, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पास में 2 जगह और है घूमने के लिए, काला टॉप और डैनकुंड। तीसरी जगह यहाँ पे जो लोगों ने बताई है वो है खजियार। खजियार आपने लास्ट ब्लॉग में पूरा घूम लिया और मैंने अच्छे से घुमा दिया है, पैराग्लाइडिंग भी करवा दी, मिनी स्विट्ज़रलैंड व्यू पॉइंट भी दिखा दिया। डैनकुंड यहाँ से 12 किलोमीटर, काला टॉप भी उसी के अराउंड है। फिलहाल यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, चिल करते हैं, चाय पीते हैं और पहाड़ों पर आए और जहाँ पर भी जाएँ चाय ज़रूर पीनी चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकलते हैं, चलिए क्या भाई चला जाए, बिल्कुल क्या रुका जाए, थोड़ी देर रुकते हैं 5-10 मिनट फिर निकलते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं, बैठते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं इंस्टाग्राम के लिए, इंस्टा फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लेना, और उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं।
और अपना टारगेट है इसके बाद पठानकोट, पठानकोट के आगे का आपको आगे ब्लॉग में पता चलता रहेगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में ऑन रोड। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से डलहौजी से। तो अभी हम लोग आ गए बनी खेत में और ये वो जगह, ये रोड जा रहा है पठानकोट, ये जा रहा है चंबा। यहाँ पे हमने चाय पी थी, एक चाय और। पहले वेट करता हूँ कैब भाई का। तो अभी चाय पीने के बाद हमें लगा कि कुछ खा लेते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग खा रहे हैं पराठा, ब्रेड ऑमलेट और इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद यहाँ से निकलते हैं। ये जा रहा है रूट पठानकोट के लिए। तो अब तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है, अब चल रहे हैं अपन पठानकोट के लिए। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है चंबा डिस्ट्रिक्ट। आप ये मान लो कि डलहौजी क्रॉस कर लिया पूरा और अभी भी ये चंबा डिस्ट्रिक्ट ही चल रहा है। काफ़ी बड़ा है बट अच्छा है, खूबसूरत है, मज़ा आया पूरा। और थोड़ी देर में हम नीचे पहुंच जाएंगे, फ्लैट रोड पे पहुंच जाएंगे पठानकोट। ये व्यू जो है ना, ये नज़ारे, अब अगली बार जब आएंगे तभी देखेंगे यहाँ पे। लेकिन उसके पहले आपको कोई और अच्छी डेस्टिनेशन पे घुमाएंगे, प्लान चल रहा है उसको भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो फाइनली अब हिल्स ख़त्म हो चुकी हैं, फ्लैट एरिया आ चुका है, हम पहुँच चुके हैं पठानकोट। पठानकोट सिटी यहाँ से 7-8 किलोमीटर बचा हुआ है। तो भाई नया अपडेट ये कि कैब भाई बाइक लेके जा रहे हैं बजाज सर्विस सेंटर, क्योंकि बाइक में फिर शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आज का प्लान हमने किया है कुरुक्षेत्र का। आपने सचपास राइड का जो फर्स्ट ब्लॉग होगा वो देखा होगा कि हम कानपुर से कुरुक्षेत्र आए थे, इसी तरह इस बार भी हम कुरुक्षेत्र स्टे करने के सोच रहे हैं। तो इन लोगों ने हम लोग को यहाँ शोरूम तक छोड़ा है। नाम क्या आपका? मेरा नाम पीयू पीडन। सब डॉन ही हो। तो यहाँ पर हम आए थे दशमेश बजाज में, यहाँ पर ना चेन इस पॉकेट में। फ़िलहाल अब हम यहाँ से जा रहे हैं मेन हाईवे पे लुधियाना के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा रहा और सनसेट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मे भी आपको कैमरे से क्लियर दिख रहा हो या नहीं, बट नेकेड आई से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। फुल करना है? हाँ फुल कर दीजिए। क्या रेट चल रहा भैया? 78। तो भाई पेट्रोल डला लिया हमने, 6:30 का पेट्रोल फुल हुआ है और अब चलते हैं यहाँ से। टाइम हो रहा 5:25, अप्रॉक्स 7 तक का प्लान है कि 7 PM तक जालंधर हम पहुँच जाएं। कितनी कर रहे हो? आगे 29। ठीक है, और पीछे? पीछे 32। ठीक है, डिस्टेंस अपने को बहुत ज़्यादा कवर करनी है, थोड़ा फास्ट ही चलना पड़ेगा। फाइनली अब हम आ गए हैं ब्रदर्स ढाबा, लुधियाना से थोड़ा आगे और पठानकोट से टोटल 193 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं विदाउट एनी ब्रेक। लुधियाना जालंधर दोनों क्रॉस किए, अब आ गए हैं यहाँ पे और यहाँ से कुरुक्षेत्र अप्रॉक्स 140 किलोमीटर बचा हुआ है। और यहाँ पर अभी हम लोग रुके हैं चाय के लिए और हमारा खाना भी आ गया है, पनीर बटर मसाला, आलू पराठा और पनीर पराठा, जो कि हम हमेशा कहीं भी खाते हैं, नॉर्मली यही चीज़ें खाते हैं। तो अपना खाना आ गया है, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं। 140 किलोमीटर बचा है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। फिलहाल खाना खा लिया यहाँ पे और बहुत ही अच्छा खाना, बहुत ही टेस्टी था। स्पेशली बटर नान तो बहुत ही अच्छा था, बटर पनीर मसाला भी अच्छा था, बट बटर नान बहुत ज़्यादा टेस्टी था। टाइम हो रहा 9:36 और बाइक चल चुकी है 2355 और रोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत अच्छी है, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बहुत अच्छी बाइक चल रही है। इसीलिए पठानकोट के बाद से नॉन स्टॉप हम लोग ने 193 किलोमीटर कर दिया था। ऑफ इंडिया, वी आर बैक। अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ का पहला ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब आए थे कुरुक्षेत्र
कानपुर से, तो यहीं पे रुके थे इसी होटल में। तो फाइनली ब्रदर्स ढाबे से निकलने के बाद 140 किलोमीटर कवर करके हम आ गए सेम उसी होटल में जिसमें हम रुके थे फर्स्ट डे। और बाहर का व्यू बहुत सारे, वो सब चीजें मैंने फर्स्ट ब्लॉग में दिखाई थी, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो उस ब्लॉग को देख सकते हो। तो ये है हमारा रूम और डाटा कॉपी होने का काम हो रहा है। सो इस पूरी राइड करने के बाद बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, सच पास एक्सट्रीम बहुत अच्छा लगा, उसके बाद खजियार मिनी स्विट्जरलैंड और फिर आज डलहौजी। पूरी सीरीज़ बहुत अच्छी बनी, अगर आपने पूरी सीरीज़ नहीं देखी है तो चैनल को विजिट करके पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। और जल्दी एक नई ट्रिप भी प्लान कर रहा हूँ, तो उस ट्रिप पे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पर घूमने के लिए है दो चीज़ें, एक है काला टॉप, दूसरा है इसकी आँख।